बेशक आप में से लगभग हर किसी ने ट्रेन में सफर किया होगा। इसके साथ ही आपने ट्रेन के हॉर्न की आवाजें भी सुनी होंगी। रेलगाड़ी का ड्राइवर विभिन्न तरीके से हॉर्न बजाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हॉर्न का मतलब क्या होता है? हेलो गाइस, केम छो। दरअसल ड्राइवर द्वारा दिए जाने वाले यह हॉर्न कभी किसी संकटकाल स्थिति का संकेत देते हैं, तो कभी यह यात्रियों को सीधी जानकारी देने के लिए बजाए जाते हैं। छोटा हॉर्न। ट्रेन के ड्राइवर जब एक छोटे हॉर्न को बजाता है तो इसका मतलब यह है कि ड्राइवर ट्रेन की धुलाई और सफाई के लिए यार्ड में ले जा रहा है, ताकि उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जा सके। दो छोटे हॉर्न। अगर ड्राइवर दो बार छोटे छोटे हॉर्न बजाता है तो इसका मतलब है कि वह गार्ड से ट्रेन को रवाना करने के लिए सिग्नल मांग रहा है। तीन छोटे हॉर्न। तीन छोटे हॉर्न का मतलब है कि किसी वजह से ड्राइवर ने इंजन पर से नियंत्रण खो दिया है। यह गार्ड के लिए संकेत होता है कि तुरंत वैक्यूम ब्रेक खींचे। वैसे ऐसे मौके कम ही आते हैं जब तीन छोटे हॉर्न सुनाई दे। चार छोटे हॉर्न। अगर ट्रेन में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो ड्राइवर चार बार छोटे छोटे हॉर्न बजाता है। इसका मतलब यह भी है कि इंजन आगे जाने की स्थिति में नहीं है। लगातार बजते हॉर्न। अगर ट्रेन का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है तो वह यात्रियों को यह संकेत दे रहा होता है कि गाड़ी अगले स्टेशन पर बिना रुके निकलने वाली है। एक लंबा और एक छोटा हॉर्न। ट्रेन ड्राइवर अगर एक बार लंबा और एक बार छोटा हॉर्न बजाता है तो यह ट्रेन के यार्ड के लिए सिग्नल है कि वह ब्रेक पाइप सिस्टम को सेट करे, ताकि गाड़ी आगे बढ़ाई जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।